हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ साइंस स्ट्रीम, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द examination, so see the videos very carefully because this part of unit is based on numerical problems, okay? इस unit में से आपके exam में हमेशा एक question जरूर आता है और ये काफी important भी है। यदि practical की बात की जाए तो practicals में जब आप कोई experiment करते हैं तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट करना होता है। उस मेजरमेंट में आपके कुछ एरर्स होती है, मेजरमेंट में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस चैप्टर्स में आपको भी कुछ बातें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चैप्टर, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो अवेलेबल कराते रहे, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को यूनिट फर्स्ट के। तो इस चैप्टर में मेनली बात की जाए तो हमारा जो मेन फोकस होगा मेजरमेंट पे होगा। देखिए एक सेंटेंस में यूज करूंगा इस यूनिट के लिए, आप जो मेनली इस यूनिट के लिए है, फिजिक्स इज ए साइंस, साइंस ऑफ मेजरमेंट, ओके? देखिए फिजिक्स आपकी क्या है, मेजरमेंट की विज्ञान है, साइंस है, ठीक है? तो इसी सेंटेंस पर बेस हमारा ये चैप्टर होगा और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट यूज करेंगे तो वो पॉइंट आपका होगा, देखिए क्या पॉइंट होगा आपका, वन मिनट प्लीज, सब लिख लीजिए, और सॉरी फॉर दिस। सो देखिए फर्स्ट वर्ड हम यूज करते हैं यहां पर आपका, देखिए जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो वहां पर एक वर्ड आता है आपका इंस्ट्रूमेंट। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो, तो पहले उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में एक तो इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना आना चाहिए, लेकिन जब आप उससे मेजरमेंट करोगे तो कुछ नंबर्स आपको रीड करने होंगे। आप उन नंबर्स को रीड कैसे करोगे, जैसे आपने स्केल लिया होगा, सिंपल स्केल, तो मान लीजिए आपके पास एक स्केल है सेंटीमीटर स्केल और ये यहां से स्टार्ट होता है जीरो नंबर, सो ये आपका वन सेंटीमीटर, ये आपका टू सेंटीमीटर, ये आपका थ्री सेंटीमीटर, ये आपका फोर सेंटीमीटर, ओके? तो सिमिलरली आगे तक इस तरह ही आपका सेंटीमीटर स्केल चलेगा और इसके यहां पर भी 10 पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 पार्ट्स होते हैं, ओके? तो यदि आपसे कहा जाए कि 3 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट आउट करने के बाद 1, 2, 3 तो आप 3 mm की लाइन यहां तक ड्रॉ करोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर का जो 10th पार्ट होता है वो होता है mm, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ओके? तो आप मुझे ये बताइए क्या इस स्केल की सहायता से 0.3 mm की लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि 0.3 मींस 1 mm का 10th पार्ट यहां पर अवेलेबल होना चाहिए, बट यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम कितनी अमाउंट मेजर कर सकता है,
ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये मिनिमम इतनी अमाउंट मीजर कर सकता है, ठीक है, और ये कितना है, वन पार्ट है इसका, इन टेंथ पार्ट का कितना है, वन पार्ट। ओके, तो वन पार्ट कितना है टेंथ पार्ट का, वन पार्ट कितना होगा, ये हो गया। तो ये क्या है आपका टेंथ पार्ट, क्या था ओवरऑल सेंटीमीटर था ना, तो ये आपका इतना हो गया, ये किसके इक्वल है, 1 mm। तो दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका सिंपल स्केल होता है उस स्केल की हेल्प से आप मिनिमम जो है 1 mm की लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और क्लियर है ना, तो वो मिनिमम अमाउंट जो आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं उसकी लिस्ट काउंट, क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। ओके, तो अभी यदि आपसे पूछा जाए कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 1 mm। तो सबसे पहले जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लिस्ट काउंट, क्या फाइंड आउट करते हैं, लिस्ट काउंट। तो हम डिफाइन यहाँ पर डेफिनेशन नोट करेंगे लिस्ट काउंट की, कि क्या डेफिनेशन होगी आपकी लिस्ट काउंट की, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आपकी नोट कर लीजिएगा, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होगी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी और दैट कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट of that measuring instrument. For example, अब बताइएगा least count of सिंपल स्केल जो बच्चों के पास होता है उसकी क्या है, 1 mm। लिस्ट काउंट ऑफ ए वॉच ओके, तो वॉच की जो लिस्ट काउंट होती है, देखिए उसमें आपके पास एक आवर्स की नीडिल होती है, एक मिनट्स की होती है और एक होती है सेकंड की। तो सबसे लिस्ट का मिनिमम जो अमाउंट है जो मेजर कर सकते हैं किसी वॉच से वो क्या होती है आपकी, सेंटीमीटर, तो वो सॉरी सेकंड, तो कितना होगा, 1 सेकंड। क्लियर है। तो अनादर एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो आपके माइंड में हो, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखने की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए उसकी सबसे पहले डिफाइन करते हैं लिस्ट काउंट। ओके, अब आप आगे चलिए हम समझते हैं कुछ चीज़ों को, और वो बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें हम यहां पर दो वर्ड का यूज करेंगे, एक्यूरेट, एक्यूरेट और सर्टेन।
या ये कह दीजिए एक्यूरेट या एक्यूरेसी कह दीजिए आप, और चलिए इसी वर्ड को यूज करेंगे ज्यादा, अगर हम इसमें ज्यादा कुछ और चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो जरा देखिए, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने पर क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट में कुछ ना कुछ आपकी क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। क्या आ जाती है? एरर। और उस एरर को ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है कि कितनी एरर्स आपकी किसी मेजरमेंट में हो सकती है। देखिए, एरर कई प्रकार से आपके मेजरमेंट में हो सकती है। देखिए, एरर आपकी एक तो मान लीजिए कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ एरर हो, उसके कारण कुछ एरर आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो आप नोट कर रहे हो तो नोट करते वक्त आपकी तब एरर आ जाए, ठीक है। तो कई तरीकों से आपकी एरर आ सकती है, तो उन्हीं एरर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि किस प्रकार से एरर आपकी किसी मेजरमेंट में आ सकती है और उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट। अब आप देखिए, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो पार्ट अभी मैंने लिस्ट काउंट का आपको कराया, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर हमें लिस्ट काउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो इसे निकालना सीख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स आगे लेंगे तो वहां पर बताएंगे, वो इससे आपको क्लियर होते जाएंगे। देखिए, अनसर्टेनिटी जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, तो देखिए किस प्रकार अनसर्टेन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रोड है आपके पास जिसका आपको मीजर उस लेंथ का मेजरमेंट करना है। सपोज करते हैं कि आपके पास वो लेंथ ये है, इस लेंथ की आपको क्या करना है, ए बी रोड है आपके पास, इसका आपको लेंथ का क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्केल लेंगे, और उन स्केल्स को आप देखें किस प्रकार हम सेट करते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले ये वाला एंड तो बिल्कुल सेट कर दिया, तो जो स्केल आप यहाँ पे यूज करते हो तो ये आपका मान लीजिए कोई स्केल है, क्लियर है। ये आपकी रोड है और ये आपकी क्या है, स्केल है, क्लियर है। अब आप जरा देखें गौर से कि हमें क्या करना है। सपोज कर लीजिए ये इसका जीरो पॉइंट है, ये इसका वन पॉइंट है, ये इसका टू, ये इसका थ्री, ये इसका फोर, ये इसका फाइव, ये इसका सिक्स, ये इसका सेवन, और ये इसका हो गया एट, और सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इसे, सही शनिवार सेवन, और ये इसका हो गया एट, और ये यहाँ पर हो गया इसका नाइन। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आपको इसकी लेंथ का मेजरमेंट करना हो तो ये जो नंबर है इसका जो एंड पॉइंट है ये इस एट से थोड़ा आगे और नाइन से थोड़ा पीछे है, बट जो आपके पास स्केल है उसके पास दो ही डिजिट है, या तो एट है या नाइन है, तो आप इसके बीच का कोई भी नंबर नोट नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि ये जो स्केल है आपका ये किसका है, सेंटीमीटर स्केल है। तो आप बताइए फर्स्टली ए बी कितना होगा आपका, तो आप इस अकॉर्डिंग टू दिस ए बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको या तो 8 सेंटीमीटर होगा या क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। देखिए, वो बेस्ड होगा कि जो मेजर कर रहा है वो किस तरह का एनालाइज करता है, ठीक है। तो कोई से 8 लिखेगा, कोई से 9 लिखेगा, तो ए बी की लेंथ जो होगी या तो 8 सेंटीमीटर होगी या 9 सेंटीमीटर होगी। अब आप बताइए कि दोनों के मेजरमेंट में कुछ एरर है या नहीं है, तो बिल्कुल एरर है। वो एरर कितनी है इनमें, 1 सेंटीमीटर की। आपने कैसे कैलकुलेट की यहाँ पर एरर, तो आपने एरर जो कैलकुलेट की होगी यहाँ पर वो आपको मिलेगी 9, डिफरेंस का साइन यूज करेंगे, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन में जो आपका स्केल है उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, लिस्ट काउंट कितनी है यहाँ पर,
बताइए लिस्ट काउंट कितनी है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट और मिनिमम वैल्यू, द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके द्वारा आपकी मिनिमम वैल्यू क्या मेजर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर ना, तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बताइए सही है या गलत है, सही है ना। अब आप बताइए ये जो यहाँ पर एरर है, जनरली इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक की ऑलमोस्ट 8.3, बट इसमें अवेलेबल नहीं है तो 8.3 हम नहीं लिख सकते। तो ये जो एरर है जनरली 0.3-0.4 की होगी, बट लेकिन हमने यहाँ तक की एरर लिखी ना, तो ये मैक्सिमम एरर है। क्या है, मैक्सिमम एरर है। तो आप यहाँ देखें जो मैक्सिमम एरर आपकी आई वो किसके इक्वल आई, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, लिस्ट काउंट। अब आप चलिए इसी की एरर को रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम अपने इस स्केल को और भी क्या करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। कैसे करेंगे एक्यूरेट, इस वर्ड को ध्यान रखिए, जितना ज्यादा आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी। यही तो अनसर्टेनिटी आई, 1 सेंटीमीटर की क्या है इसमें, अनसर्टेनिटी। ठीक है, एक्यूरेसी उतनी ही, अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। अब मैं क्या करूंगा कि इसके इसे भी मैं क्या कर दूंगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हमने कर दिया 10 पार्ट्स में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो यहाँ पर आपका 8 था, यहाँ पर ये आपका 9। अब आप देखिए कि ये कहाँ पर गया, इस तरीके से आप आइए तो ये आपका यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर नंबर 1 और ये 2 और ये 3। अब आप देखेंगे जो आपका मेजरमेंट है वो किसके बीच में आया, इस 2 और 3 के बीच में, तो या तो 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर नहीं है। तो अब हमने इसकी लिस्ट काउंट को क्या कर दिया, घटा दिया। आप देखते हैं अब लिस्ट काउंट कितनी होगी। अच्छा, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया ना, तो ये स्टेप फर्स्ट के लिए था आपका, ये स्टेप क्या था आपका, फर्स्ट। अब चलता हूं स्टेप नंबर सेकंड। देखिए एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो इसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल्स में जो लिस्ट काउंट निकालने में काफी हेल्प मिलेगी। तो स्टेप सेकंड में आप बताइए कि जो आपकी लिस्ट काउंट है वो कितनी होगी, बताइए लिस्ट काउंट कितनी होगी, जल्दी से बताइए। देखिए ये आपका 1 सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो ये कितना है आपका, बोलिए 0.1 सेंटीमीटर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 1 mm भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट काउंट छोटी हुई ना, तो आप देखते हैं आगे। आप बताइए ए बी कितना होगा, ए बी की वैल्यू जो आपकी होगी वो आपका 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, तो आप इस स्केल पर चलोगे और 2 नंबर्स किस पर चलोगे, इस पर। अब वो अनादर स्केल है, ध्यान रखिए वो अनादर स्केल है, उस अनादर स्केल में 2 डिजिट आप चले, है ना, 2 डिजिट चले ना, और 2 डिजिट में आप ये बताइए कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या है, 0.1। देखिए इस इसके लिए लिस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है आपकी, अब आपकी जो इस पर रीड किया आपने वो 2 था ना, तो 0.1 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर एज इट इज लिखिए, क्योंकि अब 9 पर तो जा नहीं सकते, तो एक कोई इसे क्या बोल सकता है, 3, तो प्लस 3 नंबर आप वहां पर चले और